अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि DIY होम रेमेडीज़ कौन कौन सी हैं जिससे आप अपने स्किन को ब्राइटन कर सकते हैं, नेचुरली ब्राइटन कर सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों की स्किन ऐसी होती है जिनके ऊपर नेचुरल इन्ग्रीडियंट से भी रिएक्शन वगैरह हो जाता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अच्छा जी, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी एक इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ, थोड़ा सा इस इंग्रेडिएंट के बारे में बताना चाहती हूँ कि ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स को आप ट्राई करने से पहले इनका एक पैच टेस्ट जो है वो ज़रूर कर लें, अपने स्किन के ऊपर कर लें। क्या पता आपके स्किन के लिए ये सूटेबल है या नहीं है, या फिर कहीं आपको इसका रिएक्शन ना हो जाए, या फिर इसके रेगुलर इस्तेमाल से कहीं आपको एलर्जी ना हो जाए, क्योंकि एक लेमन एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है, लेकिन वो हर किसी की स्किन के ऊपर सूट नहीं करता है। तो इसी तरह से और भी इंग्रेडिएंट्स हैं जो किसी की स्किन पर सूट करते हैं, किसी की स्किन पर नहीं सूट करते हैं। तो आप ज़रूर इनका एक टेस्ट ज़रूर कर लें इनको अप्लाई करने से पहले, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी स्किन के लिए सूटेबल है या नहीं है। और इसके अलावा आप ये भी ख्याल रखें कि ये नेचुरल जो है इंग्रेडिएंट्स हैं, ये नेचुरल रेमेडीज़ हैं, इनका रिज़ल्ट वैसा नहीं होगा जो केमिकल स्किन केयर प्रोडक्ट्स का होता है। मतलब कि जो मार्केट से मिलते हैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स, उसके अंदर और भी केमिकल्स होते हैं। इनका रिज़ल्ट, इन नेचुरल रेमेडीज़ का रिज़ल्ट जो है वो केमिकल प्रोडक्ट्स के जैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको बिल्कुल भी फास्ट रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, आपको एक टाइम लगेगा इसे यूज़ करते करते, फिर कहीं जाके आपको इसका रिज़ल्ट मिलना शुरू होगा। बिल्कुल पहले दिन या दूसरे दिन आपको इनका रिज़ल्ट मिलना शुरू नहीं होगा। ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह तो नहीं होंगे, लेकिन इनका जो रिज़ल्ट होगा वो आपको बहुत देर में मिलना स्टार्ट होगा। तो आप पेशेंस के साथ आप इनको, इन इंग्रेडिएंट्स को जो है वो यूज़ कीजिए अगर आप, और आप ज़रूर इनका टेस्ट अप्लाई करने से पहले अपने स्किन के ऊपर, अपने हाथों के ऊपर टेस्ट कर लें, नहीं तो आप अपनी स्किन के ऊपर ज़रूर टेस्ट कीजिए। क्योंकि एक्नी, जिनकी स्किन एक्नी प्रोन स्किन होती है, उनके लिए जो है ये कुछ के लिए सूटेबल होता है, कुछ नहीं होता है, तो वो ज़रूर टेस्ट वगैरह कर लें। ठीक है जी, अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से, बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, जल्दी से अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हम बात करेंगे योगर्ट के बारे में, यानी दही के बारे में। तो दही में जो है वो काफ़ी हद तक जो है लैक्टिक एसिड पाया जाता है, जो आपकी स्किन को ब्राइटन करने में, लाइटन करने में बहुत हेल्प करता है। दही आपकी ना सिर्फ स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बल्कि आपकी आपके बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये डीप कंडीशनिंग वगैरह में जो है दही का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। इसके अलावा टर्मेरिक है, टर्मेरिक के बारे में हम बात करते हैं। तो उसके हल्दी में बहुत ही ज़्यादा जो है स्किन ब्राइटनिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं, स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और ये आपके स्किन को ब्राइटन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। हल्दी में जो है वो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ भी शामिल होती हैं, और अगर आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं, और आपकी स्किन अनइवन टोन है, तो उसको रिड्यूस करने में भी और स्किन को लाइटन करने में बहुत हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं सैंडलवुड पाउडर की। तो सैंडलवुड पाउडर जो है वो स्किन को, स्किन एलर्जीज़ जो है वो आपकी ख़त्म करता है। और सैंडलवुड में जो है कूलिंग और सूथिंग इफ़ेक्ट भी पाया जाता है। स्पेशली वाइट सैंडलवुड पाउडर जो है वो एक्नी मार्क्स के लिए और स्कार्स को रिड्यूस करने के लिए जो है यूज़ किया जाता है, और स्किन को ब्राइटन करने में भी काफ़ी हेल्प करता है। उसके बाद हम बात करेंगे सैफ्रॉन की, यानी कि ज़ाफ़रान की। सैफ्रॉन जो है वो आपकी स्किन को लाइटन और ब्राइटन करने में बहुत हेल्प करता है, और आपकी स्किन को क्लियर कॉम्प्लेक्शन प्रोवाइड करता है, और आपकी स्किन को जो है वो यूथफुल ग्लो भी प्रोवाइड करता है। सैफ्रॉन में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्किन ब्राइटनिंग और लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं मिल्क की, यानी कि दूध की। तो मिल्क में भी जो है वो लैक्टिक एसिड पाया जाता है, जो स्किन को लाइटन करने में बहुत हेल्प करता है, और आपकी स्किन के लिए, क्लींजिंग के लिए भी जो है वो मिल्क बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और जस्ट आप मिल्क जो है वो अपने फेस के ऊपर मिल्क से मसाज करें, तो ये भी एक क्लींजिंग के लिए यूज़ किया जाता है, और मेकअप रिमूविंग के लिए भी जो है मिल्क यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे लेमन की।
तो लेमन में जो है वो विटामिन सी और ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। ये सेंसिटिव स्किन वाले इसे यूज़ नहीं कर सकते और स्किन पे कोई रिएक्शन वगैरह ना हो जाए, इसलिए सेंसिटिव स्किन वाले और एक्नीज प्रॉन स्किन वाले इसे बिल्कुल भी यूज़ ना करें। इससे स्किन इरिटेशन और रेडनेस वगैरह भी हो सकती है, लेकिन जिनकी स्किन नॉर्मल है तो वो इसे यूज़ कर सकते हैं आराम से। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे ग्राम फ्लोर की, यानी कि बेसन की। तो बेसन जो है ये बहुत ज़्यादा स्किन रेमेडी, होम रेमेडीज़ में जो है वो यूज़ होने वाला इंग्रेडिएंट है। और इसके अलावा ये आपके स्किन को जो है वो क्लींजिंग के साथ साथ एक्सफोलिएशन एक्सफोलिएट भी करता है और आपकी स्किन को ब्राइटन बनाने में भी बहुत हेल्प करता है। स्किन पे डी टैनिंग अगर हो जाए तो डी टैनिंग को भी रिमूव करता है और आपकी स्किन से ऑयल को भी रिड्यूस करता है। अब हम बात करेंगे एग वाइट की। तो एग वाइट जो है ये भी हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। एग वाइट्स आपकी स्किन को लाइटन और आपकी स्किन से रिंकल्स वगैरह और एजिंग के साइंस को रिमूव करता है और साथ ही साथ आपकी स्किन को भी ब्राइटन करने में बहुत हेल्प करता है। या ये इसे एज एन एंटी एजिंग मास्क भी जो है वो यूज़ किया जाता है। अब हम बात करेंगे पोटैटो की। तो पोटैटो भी बहुत कॉमन और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली होम रेमेडी है। पोटैटो में भी स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ज़्यादातर इसे जो है वो डार्क सर्कल्स को रिड्यूस करने के लिए जो है यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आपके स्किन के ऊपर अगर ब्लेमिशेस वगैरह हैं तो वो भी उसे भी रिड्यूस करता है और आपकी स्किन को भी जो है ब्राइटन करने में हेल्प करता है। अब हम बात करेंगे टोमेटोज़ की। तो टोमेटोज़ जो है इसका इस्तेमाल डेली डाइट में अगर आप करें तो आपकी हेल्थ के साथ साथ आपके स्किन को भी यूवी रेस से प्रोटेक्ट करता है। इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, ये आपकी स्किन को ब्राइटन करेगा। बट होम रेमेडीज़ में टोमेटो को यूज़ किया जाता है। आप मिल्क के साथ भी टोमेटो को यूज़ कर सकते हैं इसका एज अ स्किन। कुछ टिप्स मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी कि जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इन होम रेमेडीज़ का जो है रिज़ल्ट आपको बिल्कुल भी फास्ट नहीं मिलेगा। अगर आप ये सोचें कि ये इससे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा लेकिन इसका रिज़ल्ट भी हमें फ़ास्ट मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन होम रेमेडीज़ का जो रिज़ल्ट है वो हमें बिल्कुल भी फास्ट नहीं मिलेगा। अगर आप यूज़ करते रहें तो आपको, जैसे अगर आप 1 मंथ यूज़ करेंगे इसे तो फिर आपको इसका रिज़ल्ट जो है वो मिलना शुरू होगा। आप ये बिल्कुल भी ऐसे ही नहीं है कि आप इसे रोक दें तो ये बिल्कुल इसका रिज़ल्ट ख़त्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसे यूज़ करें, कंटिन्यू करें और फिर देखें आपके इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा मिलेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली में और कमेंट्स करके मुझे नीचे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और इसके अलावा अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी मैं अपनी वीडियोस को अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी वीडियो को देख सकें, सबसे पहले देख सकें। और कमेंट्स करते रहा करें, अच्छा लगता है कमेंट्स आपके पढ़ना। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।